जैसा कि आप लोगों को पता है कि सनस्क्रीन दो टाइप की होती है, एक होती है स्प्रे फॉर्म में और एक होती है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड उसको जेल फॉर्म बोल लो या फिर मैट फॉर्म बोल लो या फिर वाइट क्रीम के फॉर्म में बोल लो, दोनों सिमिलर वे में काम करती हैं, दोनों आपके यूवी रेस को ब्लॉक करती हैं। मुझे रिसेंटली चांस मिला लोटस बोटानिकल्स की विटामिन सी स्क्रीन ब्राइटनिंग मैट फ्लूइड सनस्क्रीन को ट्राई करने का। इसको मैं लास्ट 7 डेज से यूज़ कर रहा हूँ और यार अभी तक काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मुझे इसका मिला है। जनरली मैं क्या करता था कि मैं सनस्क्रीन यूज़ करने से पहले एक बेस बनाता था विटामिन सी या कुछ ऐसे क्रीम का जो थोड़ा सा स्किन को ड्राई ना करे, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी विटामिन सी एडेड है जो आपके स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट तो देता ही देता है, और जिसका सॉल्यूशन है वो मैट फिनिश फॉर्म में है। तो अगर आप फेस पे लगाते हो और लाइक 5 से 10 सेकेंड अपने फेस पे रब करते हो तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ इसके मेजर फीचर्स की बात करें तो ये ऑल स्किन टाइप है और इसके अंदर SPF 50 का प्रोटेक्शन है। SPF 50 का प्रोटेक्शन के साथ साथ इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है, मतलब आपको UVA प्लस UVB दोनों से प्रोटेक्शन मिलती है। और SPF 50 मींस कि आपको 97 से 98% के आसपास जितनी हार्मफुल रेज हैं जो सन से निकलती हैं उनसे प्रोटेक्शन मिलता है। SPF 50 का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 50 टाइम ज़्यादा धूप में रह सकते हो एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन जिसने SPF लगाया नहीं है फेस पे। सो इट्स वर्क लाइक दैट, ठीक है। और अगर इसके कुछ मेजर फीचर्स की और बात करें तो ये आपके डार्क स्पॉट को रिमूव करता है, लाइट वेट है, मैट फिनिश है। तो अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जो प्रीमियम हो, अच्छे ब्रांड की तरफ से हो, प्राइस पॉइंट 600 से लेकर 700 के बीच में हो, ये इसके MRP रेंज है, प्राइस में वेरी जो सेलिंग प्राइस है, और आपके फेस में क्लॉग नहीं होगा, वाइट कास्टिंग नहीं देगा, जैसे वाइट इफेक्ट देता ना, जैसे पहले आप सनस्क्रीन लगाते थे तो आपके फेस पे वाइट इफेक्ट दिखता था, वो आपको नहीं दिखेगा। और आपको बेस्ट पार्ट है कि आप इसके नीचे आपको किसी बेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइक कोई क्रीम कोई सीरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ऑलरेडी विटामिन सी एडेड है जो आपकी स्किन की ब्राइट टोन को बरकरार रखता है। अगर इसके हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन बहुत ईजी है, आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, वॉश के बाद ड्राई करो, और धूप में एक्सपोज होने या धूप में निकलने से पहले आपको 15 से 20 मिनट पहले इसको यूज करना है, अप्लाई करना है फेस पे, और 5 से 10 सेकंड तक अपने फेस को रब करोगे ना हल्के हाथों से मसाज करोगे तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपको नेक से लेके फेस पूरा कवर करना है इसको। अगर आप निकल गए हो, अगर आप बहुत थ्रू आउट धूप में ही रहते हो तो आपको इसको लाइक 90 से 120 मिनट के अंदर, मतलब 1.5 से 2 घंटे के मिनट आपको बार बार इसको अप्लाई करना पड़ेगा। ये फ्रिक्वेंसी इसकी होती है।